हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि ये वीडियो आपका SSC CHSL 2020 के लिए है और इसमें हम डेली साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और हम उनको पूरी तरीके से समझ कर करते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी इस समय है। तो हम अगर लगातार साइंस को इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे तो आपकी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करिए और जहाँ से भी आपको नॉलेज कम टाइम में मिले उसे ज़रूर गेन किया करिए। वो नॉलेज आपके लिए अच्छी है या नहीं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, 20 क्वेश्चंस में आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर किसी ने नहीं किया था, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन था कि आपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है, तो जो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, आपेक्षिता सा सिद्धांत जो है वो आधुनिक भौतिकी जो है उसका एक बुनियादी सिद्धांत है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे विकसित किया था। इस सिद्धांत के दो मुख्य अंग थे, एक तो विशिष्ट सापेक्षता और एक सामान्य सापेक्षता, ठीक है। तो इसमें जो आपका आपेक्षिता का सिद्धांत है उसमें जो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, ये हमेशा और हमेशा क्या रहता है? एक समान रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है और उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को आप ट्राई ज़रूर करेंगे एक बार खुद से आंसर देने का, उसके बाद इसका सल्यूशन आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन ही देखिए 10+2 में 2013 में आया था। पूछा गया है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज़ आप जैसे नहाने चलते हैं तो जो आपका मग होता है पानी में, जब आप उसको उल्टा करके ऐसे डालिए तो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको लगता है कि ऊपर की तरफ कोई बल वर्क कर रहा है। एक तो बल वो होगा और एक बल आप नीचे की ओर खुद लगा रहे हैं, तो ये दो बल हो गए, ठीक है। तो अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, उत्प्रेक्ष बल और भार। देखिए भार जो होता है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वर्क करता है और जो उत्प्रेक्ष बल जिसे उत्प्लावन बल भी बोलते हैं वो ऊपर की ओर वर्क करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लास, पतीला, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसके स्तर में कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समान रहेगा या पहले बढ़ेगा या फिर कम होगा? देखिए कोई सोचने की बात नहीं है, कई बार क्वेश्चन इसको कर चुके होंगे। बर्फ़ क्या होती है? वो पहले से ही आयतन क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। तो जैसे जैसे वो पिघलती है तो उसके जो स्तर होता है पानी का स्तर, उस पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका सही आंसर आप सोचिए क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। अच्छा, ऐसा आंसर क्यों होगा? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर वर्क कैसे करता है? आपने बॉल पेन देखा होगा, जो बॉल पेन होता है उसके अंदर जो स्याही होती है वो काफ़ी गाढ़ी होती है, उसकी स्यानता क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें आगे की ओर एक गेंद टाइप की लगी रहती है उसके पॉइंट पर, तो वो क्या करती है? धीरे धीरे स्याही छोड़ती है। तो जब भी आप पेन को कागज़ पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, घर्षण बल होगा, उसकी वजह से क्या होगा? वो चलना स्टार्ट होगा, वो जो गेंद होगी वो घूमना स्टार्ट करेगी। तो
और जो गुरुत्वीय बल यहाँ पे फिर वर्क करने लगता है, और गुरुत्वीय बल की वजह से ही स्याही बाल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। देखिए कोई भी वस्तु जो होता है वो गुरुत्वीय बल की वजह से ही नीचे आती है अगर उसमें वजन है। तो स्याही काफ़ी गाढ़ी होती है, तो यहाँ पे जो सिद्धांत वर्क करता है वो गुरुत्वीय बल सिद्धांत वर्क करता है, इसीलिए इसका आंसर जो सही हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? सभी को पता होगा, पूछा गया है MTS में, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए जो लैंप होती है उसमें ऑप्शन बी इसमें आप सही करेंगे, केस की घटना। इसका राइट आंसर क्या होगा? केस की घटना। जो रुई की बत्ती इससे बनी, जो रुई की बत्ती होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी केस नलियाँ होती हैं, और उसमें केशिकत जो रीजन होता है उसका, उसी की वजह से क्या होता है, तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, और यह केस की जो घटना होती है इसी घटित होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, केस की घटना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सर्वप्रथम कार्यशील टेलीविज़न तंत्र का 26 जनवरी 1929 में प्रकाशन किया था स्कॉटलैंड में रहने वाले 1888 में जन्मे लॉगी बेयर्ड ने, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। तो JL बेयर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर आपको पता भी होगा, एनरॉयड बैरोमीटर। एनरॉयड बैरोमीटर जो होता है उसका उपयोग जो होता है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। यह कैसा होता है, ये बिल्कुल द्रव रहित और छोटा वायुदाबी होता है, ठीक है, जिसे कहीं भी आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक चलनशील सतह वाले निर्वात युक्त खोखला बेलन होता है जो वायु दाब में बदलाव आने पर खिसकने लगता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, देखिए सही इसका आंसर जो होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। करेक्ट आंसर इसका हाइग्रोमीटर होगा, इसका आंसर आपको पता भी होगा। हाइग्रोमीटर जो यंत्र होता है वो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन उसी की वजह से किया जाता है, ठीक है। इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं, आपसे साइक्रोमीटर के बारे में भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि एक गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? मतलब एक गैस से भरा गुब्बारा है, अगर आप उस पर नाखून की बजाय सुई मारते हैं तो वो आसानी से क्यों फूट जाता है? तो देखिए रीजन सेम है, सभी को पता है अगर चीज़ पे आप दबाव ज़्यादा पड़ रहा है जिस चीज़ से, तो वो क्या होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ नुकीली होती है वो उतना ही ज़्यादा दबाव डालती है, क्योंकि क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव क्या होगा उतना ही कम लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे सुई का जो दबाव सुई से ज़्यादा पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में क्या करती है, अधिक दाब डालती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण होता है, ऑप्शन बी एनीमोमीटर करेक्ट होगा। फिर से देखिए पूछा गया है क्वेश्चन कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो यहाँ पे पवन की दिशा और पवन का वेग में कन्फ्यूजन होने के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुका है, तो पवन का वेग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? देखिए किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बोलिए या फिर विशिष्ट घनत्व बोलिए, उसके घनत्व को किसी प्रतिरोध
कोई भी आपको बताता हूँ जो आपेक्षिक घनत्व होता है या विशिष्ट घनत्व होता है, तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं? पदार्थ का जो घनत्व होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसके घनत्व को उसी के संदर्भ में जो पदार्थ हो उसके घनत्व से डिवाइड कर दीजिए, और जब घनत्व और घनत्व का ही डिवाइड हो जाएगा आपस में तो फिर उसका कोई मात्रक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई मात्रक नहीं है। फिर कह रहा है दूध की सघनता मापने के लिए उपयुक्त एक उपकरण है। आपको ये पता होगा दूध की सघनता घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर पूछा गया है दूध की सघनता भी बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है कि आप एक पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व को, जब भी आप पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात निकालेंगे तो वो जो होता है सापेक्ष गुरुत्व निकालता है, ठीक है। तो सापेक्ष गुरुत्व किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी सभी को पता होगा। अच्छा, इसका विमीय सूत्र अगर आपको याद नहीं होता है तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, MLT लिख लीजिएगा और M पे और लास्ट वाले पे T पे 1 और 2 लिख दीजिएगा, वहाँ माइनस लगा दीजिएगा, बीच में 3 लिख दीजिएगा L की पावर, ठीक है। बाकी कैसे निकाला जाता है देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से आप व्यक्त करते हैं, सभी को पता है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु जो हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो उनके जो द्रव्यमान का गुणनफल होता है, उनके द्रव्यमान का गुणनफल उस बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो उनके बीच बल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो एफ बराबर कैपिटल जी M1 M2 / R² होता है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आएगी, जी बराबर हो जाएगा F×R² / M1×M2। तो नीचे किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर आपका बल का जो विमा आप पहले भी पता है आपको MLT इनवर्स 2 होती है, और उससे आप L² को मल्टीप्लाई कराएंगे तो M−1L³T−2 आ जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई विमा नहीं है? देखिए कोणीय वेग, संवेग, कोणीय संवेग सबकी विमा होती है, लेकिन जो विकृति है इसका फॉर्मूला क्या होता है? विकृत का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई। आपकी कोई कोई वस्तु है उसकी प्रारंभिक लंबाई है, उसमें कुछ विकार आ जाता है, लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, भिन्नता आ जाती है, तो वो लंबाई में जो परिवर्तन होता है प्रारंभिक लंबाई का जो रेशियो होता है वही विकृत होती है। और अगर लंबाई ऊपर भी है लंबाई नीचे भी है तो सेम टू सेम आपकी वो विमाएं हो जाएंगी, तो उसकी कोई विमा ही नहीं निकलेगी। तो इसमें जो विकृत होती है उसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बल का SI मात्रक क्या है? तो सभी को पता है बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, मतलब F=ma होता है। तो आप किलोग्राम बोल सकते हैं, किलोग्राम m/s², या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ पे SI मात्रक पूछा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण का SI मात्रक है, जो त्वरण है उसका SI मात्रक पूछा गया है। त्वरण कई बार हम बता चुके हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन मतलब m/s, और नीचे भी सेकंड है तो m/s² होता है, तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड भी बोल सकते हो, सेकंड स्क्वायर को आप वर्ग सेकंड भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए, आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+2 में ही पूछा गया है। अगर आप 10+2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रटे होने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएँ नहीं हैं? ठीक है, इनकी समान विमाएँ नहीं हैं, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं,
समान विमाएं? नहीं, नहीं बताना है, बताना है कि समान विमाएं होती हैं।